76 वर्ष हो गए देश को आजाद हुए, हम आजादी का जश्न बड़े धूमधाम से मनाते हैं। विशेष तौर पर स्कूलों में बड़ी धूम होती है, नन्हे मुन्ने बच्चे, सांस्कृतिक प्रोग्राम, स्काउट, एनसीसी परेड, चारों ओर देशभक्ति गीत। सच में एक बड़ा राष्ट्रीय त्यौहार है जिसे हम एकजुट होकर मनाना ही चाहिए। मैं भी आपकी इस खुशी में शामिल होकर आपको हृदय की गहराइयों से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। इस खुशी के मौके पर नकारात्मक बातें करना मेरा उद्देश्य नहीं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार अन्य त्योहारों को मनाने से पहले अपने घरों की गंदगी को दूर करते हैं, साफ सफाई करते हैं, उसके बाद ही त्योहार मनाते हैं, साथियों जिस प्रकार हम अपने अन्य 30 त्योहारों में यह सुनिश्चित करते हैं कि एक परिवार के हर सदस्य के लिए एक बराबर खुशियों का पल हो, ठीक उसी प्रकार हमारा देश एक परिवार है जिसमें हमें समीक्षा करनी चाहिए। आजादी के 76 वर्षों में हम अपने ही देशवासियों से कितना इंसाफ कर पा रहे हैं। एक पत्रकार होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि देश में लोकतंत्र के इतने बड़े त्योहार में हम उन मुद्दों को उठाएं जो आपसे जुड़ी हों। आजादी के इस जश्न में उनकी भी बात करें जो अपने ही देश में होकर अपने ही देश की पुलिस के हाथों मारे जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पुलिस अभिरक्षा में हुई मौतों के विषय में। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक गत 2 वर्षों में 4484 मौतें पुलिस अभिरक्षा में हो चुकी हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 5 मौतें हर रोज पुलिस अभिरक्षा में होती हैं। इनमें छत्तीसगढ़ 11वें नंबर पर आता है। हमारे उत्तरी छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में पिछले 4 वर्षों में 3 मौतें पुलिस अभिरक्षा में हो चुकी हैं। तीनों मृतक आदिवासी समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। अब सरगुजा की बात करें तो पुलिस अभिरक्षा में प्रताड़ना फिर मौत का खौफ आदिवासियों में इस कदर है कि पुलिस अभिरक्षा में हाल ही में 2 आदिवासी युवकों की बेदम पिटाई के आरोप को लेकर अंबिकापुर के गांधीनगर थाने की पुलिस कटघरे में खड़ी नजर आई। सरगुजा जैसे पिछड़े क्षेत्रों में ज्यादातर मामले या तो दर्ज ही नहीं होते, या कुछ होते भी हैं तो पीड़ित पक्ष के पास ना कोई सबूत होता है ना कोई गवाह, फिर सबूत के अभाव में आरोपी पुलिस कर्मियों की बहाली हो जाती है। परंतु छत्तीसगढ़ का एक मामला बिल्कुल अलग है जिसमें सबूत भी है, गवाह भी है और पर्याप्त फॉरेंसिक तथ्य भी, जिसको लेकर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आप देखिए इस वीडियो को और यदि लगे कि इन मौतों पर आप भी कुछ कह सकते हैं या कर सकते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान। 21 जुलाई 2019 उत्तरी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कोतवाली पुलिस 2 युवकों को चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए लेकर आती है, परंतु उनमें से एक आदिवासी युवक पंकज बेग की लाश साइबर सेल थाने के समीप स्थित एक अस्पताल के नीचे विंडो कूलर में एक पाइप के सहारे बंधी हुई संदिग्ध अवस्था में मिलती है। पुलिस ने इसे अभिरक्षा से भागकर आत्महत्या करना बताया, परंतु पुलिस की कहानी लोगों के गले नहीं उतरी। नमस्कार, मेरा नाम अकील है और आज पंकज बेग कस्टोडियल डेथ को 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उसके बाद भी अभी तक उसमें इंसाफ नहीं मिला है। पंकज बेग उत्तरी छत्तीसगढ़ के जिला सूरजपुर के अंतर्गत आने वाला ग्राम अधीना सलका का निवासी था, जो सीसीटीवी कैमरे और इंटरनेट रिपेयर करके अपनी जीविका चलाता था। ऐसे ही अपने काम से एक दिन अंबिकापुर स्थित एक व्यापारी के यहाँ वो अपने साथी इमरान के साथ सीसीटीवी मरम्मत करने के लिए गया, परंतु इसके कुछ दिनों के बाद ही पुलिस ने उस पर चोरी का आरोप लगाते हुए उसे पूछताछ के लिए बुलाया। अब यहां से शुरू होती है पुलिस की प्रताड़ना। पीड़िता यानी पंकज बेग की मृतक और चश्मदीद गवाह जो इमरान है, यदि उनके बयानों की माने तो पुलिस लगातार बुला करके उन्हें 3rd degree टॉर्चर करती थी। जो तनवीर सिंह है, जो मेरे पति के ऊपर झूठा आरोप लगाए हैं, वो एक आवेदन दिया। बस आवेदन के तुरंत बाद ही मेरे पति को पूछताछ के लिए बुलाए। बुलाते
इसके बाद मारना पीटना शुरू कर दिए, मार के टांग दिए, डंडा फंसा के उल्टा करके मारा गया रहा, जानवरों से भी बदतर तरीके से मारा गया रहा, रूह कांप जाती है। और 21 जुलाई को पूरे दिन भर से रात तक पुलिस ने उनके पैर को बांध करके उल्टा लटका करके और थर्ड डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल किया। और पीड़िता आरोप लगाती है और चश्मदीद गवाह का भी आरोप है कि कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें संदिग्ध रोल है, यानी कि पुलिस के ऊपर हत्या का आरोप। इस बहुचर्चित केस को हम पंकज बेग कस्टोडियल डेथ के नाम से जानते हैं। 22 जुलाई की सुबह जब पंकज बेग की लाश अस्पताल के नीचे मिली तो उसके बाद पुलिस ने अपनी ओर से इसे अभिरक्षा से भागकर आत्महत्या बताया, परंतु मुख्य विपक्षी दल समेत पीड़ित के परिवार वालों ने काफी हो हल्ला मचाया, सड़क जाम किया और इसके बाद पुलिस ने पंकज बेग के ग्राम अधीनासलका को पूरी छावनी में बदल दिया। अधीनासलका के निवासियों का कहना है कि पुलिस स्वयं अपने खर्चे पर लकड़ी लेकर के आई थी ताकि पंकज बेग की लाश का दाह संस्कार किया जा सके। उनका कहना है कि पुलिस चाहती थी कि इसमें सबूत नष्ट हो जाए और लाश जला दिया जाए, परंतु आज तक पीड़ित पक्ष ने पंकज बेग की लाश को दफन करके रखा हुआ है और अभी भी वो इंसाफ चाहते हैं। चूंकि पुलिस ने पंकज बेग को जिंदा गिरफ्तार किया था, लेकिन उसके परिजनों को उसने लाश लौटाया, अर्थात पुलिस ने गिरफ्तारी शो किया था और उसकी अभिरक्षा में रहते हुए पंकज बेग की मौत हुई। और ऐसा नियम है कि सीआरपीसी 176 में कोई भी पुलिस अभिरक्षा में यदि मौत होती है तो उसकी इंक्वेस्ट एक मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायिक अधिकारी उसकी जांच करेगा। अतः पंकज बेग केस में भी मजिस्ट्रियल इंक्वेस्ट हुआ, परंतु मजिस्ट्रियल इंक्वेस्ट में किसी भी पुलिस वाले को दोषी नहीं माना गया, परंतु इस मजिस्ट्रियल इंक्वेस्ट पर भी पीड़ित पक्ष ने गंभीर प्रश्न उठाए। पीड़ित पक्ष के वकील का कहना है कि इसमें पीड़िता यानी कि मृतक की पत्नी से पूछताछ नहीं किया गया, महत्वपूर्ण गवाहों को नजरअंदाज किया गया, साथ ही पंकज बेग के शरीर में जो चोट के निशान थे उन चोट के निशानों में जो कंट्यूजन, जिसे पैर में नीली चोट कहनी चाहिए, उसे उपेक्षित किया गया। अतः इस इंक्वेस्ट पर भी पीड़ित पक्ष ने गंभीर प्रश्न उठाए। बाद में 24 नवंबर 2019 को 5 पुलिस वालों के विरुद्ध में 306 आईपीसी यानी आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का मामला दर्ज हुआ। पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस कस्टडी में संदिग्ध मौत का यह मामला था। पंकज बेग की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी और 5 पुलिसकर्मी जो निलंबित चल रहे थे, अब उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। धारा 306 के तहत पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। कानून की जानकारों की माने तो आईपीसी 306 यानी आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामलों को अदालतों में साबित करना अपने आप में एक बहुत कठिन कार्य होता है। दूसरी बात, पुलिस वालों के विरुद्ध में जो एफआईआर पुलिस ने खुद की है 306 का, उसे यदि आप पढ़ें तो बहुत ही हल्के स्तर का लिखा हुआ है कि पंकज बेग को कुछ ऐसा दुष्प्रेरण मिला होगा अंदाज में। स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं पुलिस ने खानापूर्ति करने के लिए बचाव करते हुए 306 का मामला दर्ज किया, जबकि पीड़िता रानू बेग जो मृतक की पत्नी है, उनका साफ साफ कहना है कि उनके पति की हत्या थर्ड डिग्री टॉर्चर से हुई है और इस मामले में हत्या का मामला दर्ज करना चाहिए। पूरे मामले में यदि पुलिस का पक्ष जाने तो पुलिस का कहना है कि हमें एक लिखित आवेदन मिलता है व्यापारी के द्वारा, जो नामजद आरोप लगाता है कि दो व्यक्ति, इन पे मुझे संदेह है, इन्होंने चोरी किया है, हम उन्हें पूछताछ के लिए लाते हैं, पूछताछ के दौरान में वो अपनी चोरी कबूल करते हैं और उसके गिल्ट में एक आरोपी हमारी अभिरक्षा से छूटकर भाग जाता है और आत्महत्या कर लेता है। बकायदा सीआरपीसी 176 के मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट भी हुआ, जिसमें उन्हें क्लीन चिट मिली। उनके एक्सपर्ट जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देने वालों ने उन्हें बताया कि यह आत्महत्या का मामला है। पुलिस का कहना है कि अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, लापरवाही की हमने तो उसमें हमें सस्पेंड भी किया गया। परंतु यह पुलिस का पक्ष है, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि दूसरा पक्ष इसमें क्या है। दूसरा पक्ष, सबसे पहले अखबारों ने प्रश्न उठाया, अखबारों ने इसमें गंभीर प्रश्न उठाए कि सबसे पहली बात कि पंकज बेग की जो लाश मिली वो सिर्फ अंडरवियर में थी, यह क्यों? पुलिस के पास इसका जवाब नहीं है। पंकज बेग के शरीर में जो चोट के निशान थे, पुलिस का कहना वो झाड़ियों से लगे, तो पैर में जो कंट्यूजन था यानी नीला पड़ जाना, फॉरेंसिक की भाषा में कंट्यूजन यानी लगातार भोथर ऑब्जेक्ट, ब्लंट ऑब्जेक्ट से अगर चोट हो
तभी वहां पर ऐसे नीला चोट का निशान होता है। इसे भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में चोट क्रमांक 10 में उल्लेखित किया गया है। तो ये कंट्यूजन होने के बावजूद कोई दो कदम नहीं चल पाएगा तो पंकज बेग भागते हुए चार दीवार जिसमें से एक 13 फीट की दीवार थी उसे कैसे जंप किया होगा। अगला प्रश्न है कि जिस जगह पर पंकज बेग ने फांसी लगाई वहां चढ़ने के लिए ना कोई सीढ़ी है ना वहां पर कोई और माध्यम कि उतनी दूर में जाकर के पंकज बेग फांसी लगा सकता था। उसकी लाश बैठी हुई अवस्था में थी और इस तरह के कई गंभीर प्रश्न इस ओर इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं मामला कुछ और है। पत्रकारों के द्वारा उठाए गए गंभीर प्रश्नों में से दो पत्रकार प्रमुखता से इस केस को आगे लाते हैं। इनके पोस्ट को पढ़ने के बाद मुझ तक एक खबर पहुंचती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने अपना मास्टर ऑफ फिलॉसफी यानी एमफिल रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन में किया है। मेरा डिजर्टेशन का यही टॉपिक था और आज से 13-14 साल पहले मैं अपने इस टॉपिक के कारण पुलिस वालों के साथ और इस विभाग में अच्छा खासा रिसर्च कर चुका हूँ। तब तत्कालीन आईजी श्री रामनिवास जी थे। रामनिवास जो कि डीजीपी बनकर रिटायर हुए, मुझे उनके साथ तक भी काम करने का मौका मिला। स्वर्गीय फॉरेंसिक एक्सपर्ट आईए सिद्दीकी साहब थे जिनके साथ मैं काम किया और काफी कुछ सीखने को मिला। एक पत्रकार के द्वारा उठाए गए प्रश्न पर मेरा ध्यान इस पे गया तो मैंने जब इस पे प्रश्न उठाया तो आपको यकीन नहीं होगा कि अंबिकापुर में कानून व्यवस्था इस कदर बद से बदतर हो चुकी थी कि एक कांस्टेबल स्तर का व्यक्ति पूरा गैंग बना करके सरेआम फेसबुक में सोशल मीडिया में मुझे और बाकी के दो पत्रकारों को धमका रहे थे। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई मैं जिस पुलिस को जानता हूं, जिस पुलिसिंग को मैं हमेशा से पुलिस के पक्ष में ही बात किया करता था, परंतु अफसोस की बात है मित्रों कि इतने सालों में पुलिस जिस तरीके से भ्रष्टाचार के चंगुल में जकड़ गई है और जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एक सशस्त्र बल, मुझे इसका यकीन नहीं था। बहरहाल जब मामला आया मैंने दस्तावेज मंगाए और इसके बाद अभी मैं पीएचडी भी इसी विषय में कर रहा हूं तो मेरी रुचि इसमें रही। मैंने सोचा यह मेरा एक केस स्टडी हो सकता है और इसमें मैंने अपना विभिन्न माध्यमों से एक्सपर्ट ओपिनियन दिया। आरोपी पुलिस वालों के सहयोगियों का धमकी का सिलसिला चालू हुआ, पत्रकारों को और हमें धमकाया गया। इस बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई, परंतु एक घटना बहुत महत्वपूर्ण रही कि जब पीड़िता को, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने सुझाव दिया था कि आपको स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पास भी इंसाफ के लिए जाना चाहिए क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार वो न्यायप्रिय है, परंतु पीड़िता ने बताया कि जब वो टीएस सिंहदेव के पास न्याय मांगने के लिए गई तो काफी देर मशक्कत करने के बाद उनके आसपास के लोगों ने उन्हें भगा दिया। बाद में मेरे व्यक्तिगत प्रयास के बाद जब स्वास्थ्य मंत्री जो अब उप मुख्यमंत्री हैं उनसे पीड़िता मिल पाई तो पीड़िता के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री ने पुलिस वालों की भाषा कही और कहा कि चोट तो झाड़ियों से आई हुई लगती है। इतना ही नहीं, मुझे तब भी यकीन नहीं होता, लेकिन ठीक उसके कुछ दिनों के बाद जो पुलिसकर्मी सस्पेंड थे उनमें से इंस्पेक्टर को बकायदा अपने बगल में बुला करके अपने पिता के नाम पर जो क्रिकेट मैच हो रहा था उसका उद्घाटन का फीता टीएस सिंहदेव ने कटाया। इसके बाद से पीड़िता के साथ साथ हम लोगों ने भी स्वास्थ्य मंत्री और अब के उप मुख्यमंत्री से इंसाफ की उम्मीद छोड़ दी। यहां पर एक और भी मसला है कि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पीड़िता रानू बेग कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत की रिश्तेदार है। उक्त मामला सोशल मीडिया में काफी हाईलाइट हुआ, वीडियो वायरल होने लगे। नतीजा यह हुआ कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी इस मामले में प्रश्न उठा। तय यह हुआ कि विधानसभा की सर्वदलीय समिति कस्टोडियल डेथ मामलों की जांच करेगी। दोबारा अहम खबर की बात करते हैं। आज फिर सदन में जमकर हंगामा हुआ। पुलिस कस्टडी में हुई मौत पर यह हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने यह मुद्दा उठाया। गृहमंत्री के जवाब पर विपक्ष ने ऐतराज जताया था। विधानसभा अध्यक्ष ने जांच के आदेश दिए हैं। विधानसभा की समिति मौत की जांच करेगी। इसके बाद बीच में कोरोना काल आ गया, विश्व कोरोना के चपेट में आ गया, लॉकडाउन होना शुरू हुआ, लोग पंकज बेग केस को भूलते चले गए। इसका फायदा उठाकर पुलिस वालों ने अपने इस मामले की फॉरेंसिक जांच भोपाल के एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर डी के सतपति को सौंपी, जिसमें डॉक्टर डी के सतपति ने इन्हें क्लीन चिट दिया।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इस विषय में ही शोधार्थी हूँ, अतः जब यह मामला मेरे पास आया तो इसकी गहन जांच करने पर मुझे पता चला कि डॉक्टर डीके सतपति ने जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इन्हें क्लीन चीट दी है, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के चोट क्रमांक 9 और 10 बदल दिए गए हैं। अब यह आरोपी पुलिसकर्मियों के द्वारा बदला गया है या तात्कालिक जो भी थाना प्रभारी होगा उसके द्वारा बदला गया, यह जांच का विषय है। परंतु ऐसे ही फोर्ज डॉक्यूमेंट से इन्होंने बकायदा पुलिस को और माननीय उच्च न्यायालय दोनों को गुमराह करते हुए जमानत प्राप्त किया, ये फिर से बहाल हो गए और उसके बाद लगातार पत्रकारों के ऊपर और मुझे भी धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ। इन्होंने पीड़िता को भी धमकाया और आज तक पीड़िता भय में जी रही है। पिछले इन 4 सालों में पीड़िता रानू बेग और उसके परिवार वाले विभिन्न मंत्रियों के पास, स्वास्थ्य मंत्री के पास, कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत के पास, मुख्यमंत्री से मिलने के कई प्रयास किए, परंतु उसे इंसाफ कहीं नहीं मिला। इसी बीच में उसने एसटीएससी आयोग में भी रायपुर जाकर के गुहार लगाई। इसमें बकायदा पुलिस वालों की पेशी हुई, मामला चला, यहां पर उसे इंसाफ मिला परंतु अधूरा। एसटीएससी आयोग के द्वारा बकायदा पुलिस वालों के खिलाफ एट्रोसिटी के तहत मामला दर्ज करने की अनुशंसा की गई, परंतु यह अनुशंसा ठंडे बस्ते में ही पड़ी रह गई। एसपी सरगुजा अंबिकापुर में वह मामला आज तक पड़ा हुआ है और एसपी कोई भी बदला लेकिन उसने इसमें मामला दर्ज नहीं किया। इस विषय में मेरी बात हुई एसटीएससी आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह से। भानु प्रताप सिंह जी ने मुझे बताया कि माननीय उच्च न्यायालय को पुलिस वालों ने गुमराह करके उस पर स्टे ले आया है। मामला माननीय उच्च न्यायालय में पीड़िता रानू बेग ने भी लगाया है जो कि पिछले 4 वर्षों से पेंडिंग है। अब चूंकि कोई मामला माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है, फिर भी अभी हाल ही में पिछले माह मुझे जानकारी मिलती है कि 306 आईपीसी जो पुलिस वालों के ऊपर में एफआईआर हुआ है उसका ट्रायल जिला न्यायालय अंबिकापुर में शुरू हो चुका है। पिछले वर्ष जब पीड़िता रानू बेग को आरोपी पुलिसकर्मियों के सहयोगियों के द्वारा धमकी दिया जा रहा था तो उसके द्वारा विभिन्न माध्यमों से मुख्यमंत्री तक शिकायत की गई। मेरी निजी जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने स्वयं इसमें रुचि लेते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों को बस्तर और बीजापुर ट्रांसफर करने का रास्ता दिखाया। लेकिन देखिए कमाल की बात कि 1 साल पूरा होते ही उक्त पुलिसकर्मी सिंगल ट्रांसफर लेकर रायपुर में वापस आ जाता है। अभी सिंगल ट्रांसफर कैसे हुआ होगा यह तो आप बखूबी ही समझ सकते हैं। उक्त मामले को 4 साल हो चुके हैं, हमें यह नहीं समझ में आता कि आखिर पीड़िता को इंसाफ पाने के लिए हम कहां भेजें, क्योंकि जितने भी आदिवासी अधिकारी या मंत्री हैं वो खुद को अभिजात वर्ग मानते हैं, अतः उनसे तो इंसाफ की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। हमारे पास में उप मुख्यमंत्री का निवास है जिन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महाराज साहब कहकर संबोधित करते हैं। बादशाहों के जुल्म और इंसाफ में ज्यादा अंतर नहीं होता, अतः टीएस सिंहदेव से इंसाफ की उम्मीद तो की ही नहीं जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीबीआई केवल राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का टूल मात्र बनकर रह गई है, तो सीबीआई से भी हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि इस मामले की जांच करे। अब समझ में यह नहीं आता कि आखिर भूपेश बघेल जो खुद पुलिस का दंश झेल चुके हैं, पुलिस की लाठियां उन्होंने खाई है, थाने में रात भर वो सोए हैं, वो इस मामले को नजरअंदाज कैसे किए हुए। देखिए एक आम नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता या पत्रकार यह तय नहीं कर सकता कि मामला हत्या है या आत्महत्या है। एक शोधार्थी होने के नाते मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूं कि मेरी नजर में यह हत्या है, परंतु इसे अदालत ही तय करेगी या कोई जांच एजेंसी ही तय करेगी, परंतु वो जांच एजेंसी वह एजेंसी खुद नहीं होनी चाहिए जिसके ऊपर खुद आरोप है, यानी पुलिस के ऊपर ही हत्या का आरोप लग रहा है और पुलिस इसकी जांच करे तो इंसाफ कैसे होगा, यह यक्ष प्रश्न है। हम पुलिस की पक्ष को मान भी लें कि मामले में कहीं पर कुछ भी नहीं है, ये क्लियर कट आत्महत्या का मामला है, तब भी यदि एक आरोपी का पुलिस अभिरक्षा से भागकर आत्महत्या करने का मामला था तो फिर 5 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध पुलिस ने ही 306 का मामला दर्ज क्यों किया। पुलिस वालों को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के चोट क्रमांक 9 और 10 को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। पुलिस वाले धमकियां क्यों दे रहे हैं। आखिर पुलिस लकड़ी लेकर लाश जलाने क्यों गई थी।
ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका यदि कोई उत्तर हो तो इस बार के चुनाव में नेताओं से पूछेगा जरूर।